नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी अपडेट्स फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो सब्सक्राइब कर दीजिए स्टडी अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों 11th पार्ट फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जाम्स कंप्यूटर अवेयरनेस। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन अल्गोरिदम। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन अल्गोरिदम। तो दोस्तों, जहाँ पे भी रूल्स आता है वहाँ पे दोस्तों सिंटैक्स आता है। सिंटैक्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है? सिंटैक्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स। तो दोस्तों, इसका सिंपली आंसर होगा सिंटैक्स, ऑप्शन नंबर 3। सिंटैक्स कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन अल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट अलाउज हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर डिवाइसेस। अ कंप्यूटर प्रोग्राम, क्वेश्चन कुछ क्या पूछा है दोस्तों? अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट अलाउज हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर डिवाइसेस। तो दोस्तों, इसका आंसर है डिवाइस ड्राइवर। क्या है दोस्तों? डिवाइस ड्राइवर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। दोस्तों, क्या है? डिवाइस ड्राइवर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों पढ़ते हैं। इज अ सेट ऑफ कीवर्ड्स सिंबल्स एंड अ सिस्टम ऑफ ए रूल्स। दोस्तों, यहाँ पर रूल्स लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ ए कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट्स बाय विच ह्यूमंस कैन कम्युनिकेट द इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। दोस्तों, जहाँ पर भी सेट ऑफ रूल्स रहता है वहाँ पर क्या रहता है? सिंटैक्स रहता है। तो दोस्तों, इसका सिंपली आंसर होगा सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स। सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ कीवर्ड्स सिंबल्स एंड अ सिस्टम ऑफ ए रूल्स दैट फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट बाय विच ह्यूमंस कैन कम्युनिकेट द इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिंटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन इज एप्रोप्रिएट फॉर विच पर्पज। दोस्तों, फोर्ट्रॉन मीन्स क्या होता है? फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज है जो कि फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज बोलते हैं उसको। फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज इज यूज फॉर दोस्तों साइंटिफिक पर्पजेज। क्या है इसका यूज दोस्तों? साइंटिफिक पर्पजेज। तो दोस्तों, हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, फोर्ट्रॉन इज यूज फॉर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एज वेल एज साइंटिफिक कंप्यूटेशन। क्या है दोस्तों? टू यूज के लिए दोस्तों आता है फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, फॉर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एज वेल एज साइंटिफिक कंप्यूटेशन। तो दोस्तों, इसका सिंपली आंसर ऑप्शन नंबर 2, साइंटिफिक पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू लास्ट सेल इन द डेटा रीजन ऑफ MS Excel। तो दोस्तों, लास्ट सेल फॉर कंट्रोल प्लस एन आपको चाहिए, इसका आंसर कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, कंट्रोल प्लस ए, द शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू लास्ट सेल इन डेटा रीजन इन MS Excel इज कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज यू स्टैंड्स इन द फॉर इन UTP। दोस्तों, UTP में U का मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों, लॉन्ग फॉर्म से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। तो दोस्तों, UTP का लॉन्ग फॉर्म एक बार देखते हैं, UTP। तो दोस्तों, UTP का लॉन्ग फॉर्म होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। क्या होता है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। दोस्तों, U का मीनिंग क्या होता है? अनशील्डेड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, अनशील्डेड। तो दोस्तों, टेलीफोन्स एंड इथरनेट केबल्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ UTP वायर्स। क्या है दोस्तों? टेलीफोन एंड इथरनेट केबल्स आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ UTP वायर्स। तो दोस्तों, इसका सिंपली आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 2, अनशील्डेड। यू मीन्स अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेज। दोस्तों, लाइट पेन है क्या है? इनपुट डिवाइस है। OMR इनपुट डिवाइस है। देन ट्रैक बॉल इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। देन ऑल ऑफ द अबो इज द आंसर। दोस्तों, क्या है हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबो इज द आंसर, ऑल आर इनपुट डिवाइसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीज अलाउज अ यूजर टू कैंसल और अबॉर्ट ऑपरेशन। कीज अलाउज अ यूजर टू कैंसल और अबॉर्ट द ऑपरेशन विच ही एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट। दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा है? ऐसे कौन सी की अलाउज यूजर टू कैंसल और अबॉर्ट द ऑपरेशन विच ही एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट। तो दोस्तों, इसका सिंपली आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, एस्केप। तो एस्केप की क्या करते हैं दोस्तों? सिंपली यूजर को कैंसल और अबॉर्ट ऑपरेशन करती है विच ही एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5, एस्केप की, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट लाइन इन द वर्ड फाइल सिंपली क्लिक ऑन होम बटन। क्या दोस्तों? होम बटन। टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट लाइन इन अ वर्ड फाइल देन क्लिक ऑन होम बटन, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन नेम ऑफ ऑडियो फाइल। दोस्तों, नीचे में से ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या हो सकता है? दोस्तों, इसका आंसर है IEEE। ये क्या दोस्तों? ऑडियो फाइल रहती है IEEE, .IEEE इज अ ऑडियो फाइल, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
इज़ यूज टू कनेक्ट एसेसरीज विद द सिस्टम यूनिट। दोस्तों पोर्ट इज़ यूज टू कनेक्ट एसेसरीज विद द सिस्टम यूनिट, क्या है दोस्तों? पोर्ट्स, पोर्ट्स इज यूज टू कनेक्ट एसेसरीज विद द सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर, पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल टर्म पेरीफेरल इक्विपमेंट्स इज यूज फॉर। दोस्तों पेरीफेरल इक्विपमेंट जो कि एक्सटर्नल से थे, पेरीफेरल, द जनरल टर्म पेरीफेरल इक्विपमेंट्स इज यूज फॉर, इज यूज फॉर दोस्तों एनी डिवाइस दैट इज अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर आंसर, एनी डिवाइस दैट इज अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, इज आर द पेरीफेरल इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी, दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, स्कैनर। स्कैनर क्या कर रहा है दोस्तों? स्कैनर इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी। तो दोस्तों इसका सिंपली आंसर ऑप्शन नंबर फोर, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर सिस्टम, इन अ कंप्यूटर सिस्टम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट इज कैरीड बाय। तो दोस्तों डेटा बस, डेटा बस क्या करता है? कैरी करता है फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, डेटा बस इज द आंसर। इन अ कंप्यूटर सिस्टम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट इज कैरीड बाय डेटा बस, ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, सी डी एम ए। तो दोस्तों सी डी एम ए का लॉन्ग फुल फॉर्म क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर टू में है। क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सी डी एम ए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन नंबर टू इज अवर आंसर, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सी डी एम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं, व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन। तो दोस्तों फोर्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक पूछी है यहाँ पर, व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सिंपली आंसर होगा वी एल एस आई। तो दोस्तों वी एल एस आई सा एक बार देख लेते क्या है, वी एल एस आई अगर पूछा तो आपको क्या इसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों वी एल एस आई मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या रहता है दोस्तों? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वी एल एस आई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं कि फंक्शन की से, फंक्शन की इज यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन इन द एम एस वर्ड। दोस्तों F4 जो कि F4 जो जो फंक्शन की क्या करते, रिपीट करते लास्ट एक्शन को, ऑप्शन नंबर टू इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वॉट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फेड इन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दोस्तों इसका आंसर इनपुट, क्या करता है? इनपुट क्या करता है? इनपुट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फेड टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर फोर, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटेड चिप यानी आई सी वॉज डेवलप बाय। दोस्तों हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, हिस्ट्री में से, द इंटीग्रेटेड चिप आई सी वॉज डेवलप बाय जे एस किल्बी। दोस्तों क्या है? जे एस किल्बी, ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर, जे एस किल्बी वॉज, जे एस किल्बी इन्वेंटेड आई सी। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, इफ अ मेमोरी चिप इज वोलाटाइल इट विल। दोस्तों मेमोरी से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, मेमोरी चिप इज वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, इफ अ मेमोरी चिप इज वोलाटाइल इट विल। तो दोस्तों सिंपली वोलाटाइल मेमोरी का फंक्शन क्या है? इट विल लूज कंटेंट्स इफ करंट इज टर्न ऑफ, इफ करंट इज टर्न ऑफ देन इट विल लूज द कंटेंट, ऑप्शन नंबर टू इज अवर आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।